ये सफर यहाँ से शुरू नहीं हुआ था, ये सफर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी है, सुनना चाहेंगे? So all this starts with एक भोली भाली सी लड़की, मैं निकल गई अपने फर्स्ट सोलो एडवेंचर पे टू जिम कॉर्बेट फॉरेस्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड, वो भी साइकिल पे। How's it going guys? I am Sapna. Today I am going to be sharing with you my Jim Corbett cycling adventure. Let's do this! Kind of like Naina from Ye Jawani Hai Deewani. Ab reality mein Naina ko uska bunny milta hai ya nahi? Ye to bas aage jaake hi samjhega. Chalo fir, chalte hai is kahani mein. Previously on Jim Corbett cycling expedition. तो साइकिल पे शूटिंग करते हुए फ़ोन नीचे गिरा चुकी थी, तो दिमाग ठंडा करने के लिए नदी में डुबकी लगा दी। आउट ऑफ द रिवर, फ्रेश रिवर में स्नान कर लिया जो भी 3-4 दिन से स्नान नहीं किया था वो आज कर लिया। वहाँ पे हमारे साइकिल्स पड़े हुए हैं सारे। नाउ वील स्टार्ट एन रूट गोइंग टू द कैंप फॉर टुनाइट। सो क्यारी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, पानी में मस्त भीगे हम और अब हम चलेंगे खाने के लिए लंच इस तरह। दिस इज द रूट एंड वी आर राइट नाउ गोइंग टुवर्ड्स पावलगढ़। Pavalgarh will be our camp number 2 for night. Hush, finally we have reached Pavalgarh campsite. So today's stay यहाँ पे होगा। अभी अंदर जाके explore करते हैं कैसा है campsite. Overall आज का रास्ता I think बहुत ही अच्छा था, मतलब वेरी मच स्ट्रेट रोड्स, ज़्यादा कोई इंक्लाइन नहीं था, ओवरऑल वेरी वेरी नाइस रोड्स एंड ब्यूटीफुल सीन, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। सो यस, वेलकम टू पावलगढ़ कैंप साइट। तो ये है पावलगढ़ कैंप साइट, यहाँ पे हमारे टेंट लगे हुए हैं एंड ये कैंप। चलो कुछ अमेजिंग दिखाते हैं आपको। वेरी ब्यूटिफुल, एकदम ट्रीज के बीच में पूरा खुला सारी। दिस इज द स्टे फॉर टुनाइट एंड दिस इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल, मुझे अभी से फील आ रही है। सो यस, वेलकम टू पावलगढ़ कैंप साइट गाइस। तो ये है पावलगढ़ कैंप साइट, मैंने मस्त ही अब तक का मोस्ट ब्यूटीफुल कैंप साइट है। इसमें इतनी सारी रिक्रिएशनल प्लेसेस है और इतने ब्यूटीफुल स्पॉट्स बनाए ना बैठने के लिए, चिल करने के लिए। ओ माय, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। देयर इज नथिंग मोर प्रेशियस देन टाइम, दैट्स इनक्रेडिबली ट्रू। पावलगढ़ कैंप साइट कुछ अलग ही चीज़ है एंड ये मुझे चाचा बता रहे थे कि ये जो है यहाँ पे, ये उत्तराखंड का सबसे फर्स्ट होम स्टे है एंड यहाँ पे इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग की है ना, से स्टोन्स रखे हैं बैठने के लिए, रिक्रिएशनल एरियाज बनाए, इतने ब्यूटीफुल कोट्स लिखे हैं हर जगह पे एंड ऐसे लिटरली सजा के रखा है, कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स रखा है एंड वहाँ पे झूला है। लेट्स स्विंग बिकॉज गर्ल्स लाइक टू स्विंग। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन बनाया और मिर्चियाँ उगाई है। तो पूरा फोकस जो है हमारा नेचर कंजर्वेशन पे है, तो उसमें हम लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ उनके कूड़े को कलेक्ट करना, गांव में इधर उधर हम लगे रहते हैं बीच में, तो उसके जो वेस्ट है तो हमसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि कूड़ा तो इकट्ठा हो गया, इसका क्या करेंगे? हाँ जी। नहीं तो कुछ चीज़ें जो है उसमें से ग्रेडिंग करके वो करके, तो ये जो आपके रेपर फेंके रहते हैं ना पीने
उसके गुटके के उसके तो उनके पैर बना लेते हैं। अब बारी थी बॉन फायर की। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पावलगढ़, डे 5। आज वी हैव स्टार्टेड ऑफ एट अराउंड 10 o'clock। वी आर रेडी सेट गो। टुडे वी विल बी गोइंग फॉर कालादुंगी विच इज द बेस कैंप। एंड आज थोड़ी सी यहाँ पे बारिश टाइप हो रही है, मतलब नॉट एक्सट्रीम बट थोड़ी थोड़ी क्लाउडी टाइप है। एंड आज प्रोबेबली हम रेन्स में चलाने वाले, हल्की सी बारिश में। सो यस, दैट्स गोना बी द जर्नी फॉर टुडे। वेलकम टू डे 5। टुडे हम पावलगढ़ से कालादुंगी की तरफ जा रहे हैं। एंड आज का रास्ता इज आई थिंक अभी के लिए तो आई एम फीलिंग फॉरेस्ट से गुजर रहा है। आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट रूट, कोई सरप्राइज होने वाला है। सो लेट्स एक्सप्लोर। ये है राखी और एक है ब्राउनी, जो हमारे साथ ऑल द वे कैंप से यहाँ तक आया है। जलस आ गया। मैंने अभी आर बिट टायर्ड, जस्ट टेक अ सिप, एंजॉय द सेरेनिटी अराउंड एंड चलो। दैट्स द थंब रूल आई सपोज। सो यस, आराम आराम से जाना है, सिप लेते लेते एंड एंजॉय करते करते। सारे हसीन नज़ारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमान पे पर्वत भी सो गए। ऐसे मैं साइकिल कर रही हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारे बादल की गाँव में। चाय और पकौड़े। सो यस, सब हम चाय और पकौड़े के लिए ले रहे हैं। सो गाइस, लेट्स टैकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वॉशरूम। सो आई एम श्योर बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा, स्पेशली गर्ल्स, कि यू नो वॉशरूम का क्या सीन है व्हाइल वी आर ऑन द रोड्स। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज बीच बीच में स्टॉप्स होते हैं। लेट्स से पेट्रोल पंप दिख गया विच इज राइट हियर, ओके। सो पेट्रोल पंप है एंड देन पेट्रोल पंप को अटैच्ड देयर बी लाइक अ प्रॉपर वॉशरूम। सो वी कैन डेफिनेटली गो बीच बीच में, या फिर ऑन द वे बहुत बार रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, होटल्स मिल जाते हैं। सो वहाँ पे दैट्स हाउ वॉशरूम प्रॉब्लम इज बीन सॉल्व। एंड इनफैक्ट इट्स वेरी वेरी नाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिम कॉर्बेट रूट पे मुझे एक बार भी कोई इशू नहीं हुआ रिगार्डिंग दिस थिंग। सो यस, दैट्स एब्सोल्युटली टेकन केयर ऑफ। लास्ट पैच डाउन हिल रीच बेस कैंप कालादुंगी। साइक्लिस्ट लव स्पेन, आई थिंक वो इसी व्यू के लिए दे लव ऑल द पेन। कोई अचानक से आने वाले पल लाइफ में एपिफनी दे जाते हैं।
मेरे लिए वो ये पल था, क्योंकि ये कहानी थी एक फीमेल सोलो ट्रैवल की। नॉट मी, इट्स हर। शी स्टार्टेड ऑफ विथ अस फ्रॉम कैंप एंड एंडेड अप रनिंग 31 किलोमीटर्स ऑन हर फीट, दैट टू अलोन विदाउट हर ट्राइब मेट्स, विदाउट अ मैप, जस्ट विद अ लिटिल होप, लिटिल करेज एंड अ कंपनी ऑफ अनदर फीमेल सोलो ट्रैवलर जस्ट लाइक हर। डिड शी सॉ हरसेल्फ इन मी? मे बी। द रियल क्वेश्चन इज, डिड आई रिलेट टू हर? Yes, indeed. It made me ponder, why do we take so long to gather that little hope, that little courage we need? Sometimes we need is a little inspiration, someone we can relate to, we can see ourselves in. Was I her inspiration? I don't know. She definitely was mine. सोलो ट्रैवलर, ये है असली सोलो ट्रैवलर। पावलगढ़ से काला दुंगी तक अकेले आई है, ये होता है असली सोलो ट्रैवलर। She is the queen. Before you go, a quick sneak peek from the next episode. अगर आप इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव, यूजफुल सीखे हो, then make sure to share this video. हम रेगुलरली ऐसे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग यूजफुल कंटेंट बनाते हैं ऑन ट्रैक रिलेटेड टॉपिक्स। सो अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हैप्पी क्लाइंबिंग ट्रैकर्स।